हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं फिर से वोडाफोन आइडिया के बारे में। यहाँ पे तीन बड़ी खबर है वोडाफोन आइडिया में निकल करके आ रही है, और इसका असर हमने आज देखा कि बढ़िया हुआ था, परंतु एंड ऑफ द डे यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिली थी। परंतु एक समय पे यहाँ पे वोडाफोन आइडिया में अच्छी खासी तेजी थी। तो कौन सी खबर है जिसके चलते यहाँ पे अच्छी तेजी आई थी, और मुझे लगता है इस खबर के चलते आगे भी 3 सितंबर आप डेट याद रख सकते हो, यहाँ पे बड़ा धमाका होने की संभावना है। तो सभी चीजों के बारे में यहाँ पे आपके साथ बात करना चाहूंगा, और साथ ही साथ कल के लेवल टारगेट क्या आ सकते हैं उसके बारे में भी आपके साथ बात करना चाहूंगा। वीडियो के साथ पूरा पूरा जुड़े रहे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन बिल्कुल दबाइए। सबसे पहले बात स्टार्ट करेंगे आज की क्लोजिंग देखे तो, एक समय पे यहाँ पे देखे तो एकदम रेंज बाउंड ट्रेडिंग से अचानक बड़ी स्पाइक निकल करके आ रही थी। 5 से 6% की तेजी थी, परंतु ये तेजी थोड़ी थोड़ी फिजल आउट हो गई एंड ऑफ द डे। परंतु क्लोजिंग हुई है 10 पैसे ऊपर, 1.5% से ज्यादा की तेजी थी। 6.05 रुपये के आसपास तेजी हमें देखने को मिली थी। यहाँ पे कारोबार की सिचुएशन देखें तो कारोबार की सिचुएशन बढ़िया है। यहाँ पे NSE की वेबसाइट पे वोडाफोन आइडिया लिमिटेड 6.05 रुपये के आसपास क्लोजिंग, 1.5% की तेजी है। आई देखें 6.40 रुपये का बनाया, और लो की बात करें 5.85 रुपये दिखाई दे रहा है। क्वांटिटी की बात करें 29 करोड़ 89 लाख शेयर की ट्रेडिंग, जिसमें 7 करोड़ 46 लाख शेयर की डिलीवरी, और परसेंटेज ऑफ डिलीवरी यहाँ पे 25% है। तो डिसेंट कारोबार की सिचुएशन नजर आ रही है, और रिलेटिवली बात करें पिछले कुछ दिनों में तो वॉल्यूम में भी इजाफा होता हुआ दिखाई दे रहा है। सबसे पहली जो खबर है धमाकेदार, उसके बारे में ही आपके साथ बात करना चाहूंगा। टेलीकॉम इंडस्ट्री लीडर टू कम टुगेदर फॉर इंडिया मोबाइल कॉन्क्लेव ऑन सितंबर 3, मतलब कि 3 तारीख को यहाँ पे एक बहुत बड़ी मीटिंग है, जिसमें सभी के सभी टेलीकॉम इंडस्ट्री के लीडर्स हैं यहाँ पे, वो इकट्ठा हो गए। और यहाँ पे जो टेलीकॉम सेक्टर के रिलेटेड जो इश्यूज हैं, और यहाँ पे पर्टिकुलर कंपनियों के लिए भी जो इश्यूज हैं, उन सभी के ऊपर यहाँ पे वार्तालाप होगा। तो हो सकता है यहाँ पे कहीं ना कहीं कोई डिसीजन वोडाफोन आइडिया के ऊपर दिखाई दे, और यहाँ पे पॉजिटिव ट्रिगर हमें मिलता हुआ दिखाई दे। तो 3 सितंबर अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इवेंट वोडाफोन आइडिया के लिए हो जाती है। दूसरी खबर हालांकि इतनी ज्यादा अच्छी नहीं है, एनालिस्ट की एक रिपोर्ट निकल करके आ रही है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि 21,000 करोड़ का जो अभी राइट इश्यू लेकर भारतीय एयरटेल आया था, वो यहाँ पे कहीं ना कहीं खतरे की घंटी वोडाफोन आइडिया के लिए हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे फंड अपनी सर्विस को इम्प्रूव करने के लिए भारतीय एयरटेल यूज करेगी। ऑलरेडी जियो ने अपने आप में अच्छी खासी सर्विस यहाँ पे डेवलप कर ली है, तो कहीं ना कहीं इन दोनों अच्छी सर्विस देंगे, क्योंकि वोडाफोन आइडिया के पास तो कैपिटल की कमी है, तो वो ज्यादा एक्सपेंडिचर कर नहीं पाएंगे। तो कहीं ना कहीं जो सब्सक्राइब है वो और ज्यादा भारतीय एयरटेल और जियो के पास जाते हुए दिखाई दे सकते हैं, ऐसी यहाँ पे एनालिस्ट की रिपोर्ट है जो कि मैंने आपके सामने प्रेजेंट करी। तीसरी खबर यहाँ पे इंडियन टेलीकॉम ऑपरेटर विल बी रेडी फॉर 5G। यहाँ पे 5G के ऊपर यहाँ पे काफी बड़ी है, यहाँ पे भारतीय कंपनियां जो भारतीय टेलीकॉम कंपनियां हैं वो मेहनत कर रही है, और यहाँ पे ऐसा बताया जा रहा है कि जल्दी ही 5G रेडी का अनाउंसमेंट सभी कंपनियों की तरफ से बताया जा सकता है, जिसमें वोडाफोन आइडिया भी है, जियो भी है, MTNL भी है, और यहाँ पे भारतीय एयरटेल भी है। तो देखने वाली बात होगी कि 5G की टेक्नोलॉजी कैसे इम्प्रूव हो सकती है, कैसे डेवलप होती है, और कब यहाँ पे रेडी का सिग्नल ऑपरेटर के द्वारा आता है। ये 3 खबरें थी जो कि वोडाफोन आइडिया में आज काम करती हुई दिखाई दी। अभी मैं आपको चार्ट पे लेके जाना चाहूंगा, और चार्ट पे सिचुएशन क्या है वो बताने की कोशिश करूंगा। मैंने आपको कल ही बताया था 6.40 रुपये लेकर 6.45 रुपये का जोन है, वो एक रेजिस्टेंस जोन है, तो वहां पे ही बढ़िया तेजी और वहां से ही रिवर्सल दिखाई दिया। तो जिस किसी ने यहाँ पे शॉर्टिंग पोजीशन बनाई होगी उसको 5 से 6% का मुनाफा इजीली मिल गया होगा। अभी बात करें तो 5.80 रुपये के आसपास अच्छा सपोर्ट है, तो यहाँ पे अगर गिरावट कंटिन्यू रही कल तो यहाँ पे सपोर्ट ले सकता है, या तो फिर से यहाँ पे अगर बाउंस बैक हुआ तो फिर से 6.40 रुपये 45 पैसे के लेवल में दिखाई दे सकते हैं। उसके ऊपर 6.60 रुपये भी एक लेवल है जहाँ पे जाने की कोशिश वोडाफोन आइडिया की हो सकती है। नीचे जैसे मैं हमेशा बताता हूँ कि 5.80 रुपये नहीं संभला, तो 5.60 रुपये भी अपने आप में मजबूत सपोर्ट है, तो वहां पे भी संभलने की कोशिश वोडाफोन आइडिया कर सकता है। RSI का लेवल 52 का है, RSI का लेवल यहाँ पे स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है, जो कि एक समय पे 70 के ऊपर दिखाई दे रहा था, क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग गई तो RSI का लेवल भी नीचे की तरफ लुढ़कता हुआ दिखाई दिया। मैं चाहूंगा दोस्तों इन लेवलों का वॉच आउट करिए, उसके बाद अपनी स्टडी कंडक्ट करिए, और उसके बाद ही यहाँ पे कोई पोजिशन बनाने की कोशिश कीजिए। और मैं जैसे हमेशा बताता हूँ कि जिस किसी ने जरूरत हमें अकाउंट ओपन नहीं किया है या तो फिर करवाना चाहता है, वो यहाँ पे मेरी दी गई लिंक से बिल्कुल जरूरत में अकाउंट ओपन करवा सकता है। और अगर आप ऐसा करते हो तो मेरी तरफ से आपको एडिशनल हेल्प मिलेगी। मेरा व्हाट्सएप नंबर और टेलीग्राम नंबर मैं आपके साथ बिल्कुल शेयर करूंगा, ताकि आप कभी भी अपने कोई भी पर्सनल ट्रेड को मेरे साथ शेयर कर सकते हो।
आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन बिल्कुल दबाइए। मिलते हैं अगले और वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।